हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट बर्थ। आज हम शुएब भाई के सेटअप पे मौजूद हैं। इनके पास तकरीबन कॉकटेल की वैरायटी मौजूद है, लव बर्ड की वैरायटी मौजूद है और पहाड़ी का एक ब्रीडर पेयर भी मौजूद है। तो ये पूरा का पूरा सेटअप जो है फॉर सेल कर रहे हैं केजी समेत। इनसे बात करेंगे क्या वजह है, सेल क्यों कर रहे हैं। तो चलें शुएब भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुएब भाई, आपके पास क्या क्या वैरायटी मौजूद है भाई? ये कॉकटेल के पेयर हैं। सही। और जो है अलेक्जेंडर का पेयर है और इनोपाइट के पेयर हैं, लोटिनो कॉकटेल के पेयर हैं, ब्लू पसनाटा है, येलो फिशर है, वाइट फिशर है, वाइट जावा, सिल्वर जावा, ग्रे जावा। सही। ये मतलब जावा। सारे ब्रीडर पेयर हैं आपके पास? सब ब्रीडर पेयर हैं और कोई भी पट्टा नहीं है। सही। तो मतलब सेल करने की क्या वजह है यार? ये हमारा घर असल में जो ना उसका कोई डिसीजन हो गया है, सेल हो रहा है। तो है। जो है अभी ये सब जाल पिंजरे वगैरह और जो है पेयर सारे सब चीज़ ही बेचनी है, मतलब बॉक्स वगैरह सब चीज़। सही। तो सबसे पहले पहाड़ी पर आते हैं। ये मतलब ये ब्रीडर पेयर है? हाँ, ये ब्रीडर पेयर है पहाड़ी का। इसकी फीमेल हमने घर में टेम करी थी। ठीक है। और मेल जो है अभी 2 साल पहले लिया है, तो पिछले साल भी इसने 6 बच्चे निकाले हैं और अभी भी ये पेयर जो ना मेटिंग कर रहा है। सही। तो बस 10-15 दिन में इसके अंडे आ जाएंगे। तो इसने पिछले साल 6 बच्चे निकाले? जी, पिछले साल इसने 3 कलच दिए थे। पहले कलच में 3 बच्चे निकाले, फिर 2 निकाले, फिर आखिरी कलच में इसने 1 ही बच्चा निकाला। अच्छा, मतलब पूरे सीजन में 6 बच्चे निकाले? पूरे सीजन में 6 बच्चे निकाले थे। तो आप ये कि हमारी व्यूअर्स को अपनी थोड़ी सी लोकेशन बता दें, किस साइड पर आपका जो है घर? ये आप तो देख चुके हो अरसलान, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से जब आप आते हैं ना अब्दुल्ला कॉलेज की तरफ, तो ये अल्लामा इकबाल टाउन है, जिना वुमेन यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे। ठीक है। तो यहीं पे मेरा ये घर है। सही। तो फिर अगर किसी को भी परचेज करना हो तो इनका नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा, शुएब भाई का। तो इनकी डिमांड क्या कर रहे हैं पहाड़ी की? देखिए, पहाड़ी की वैसे तो मैं डिमांड कर रहा हूँ 70,000 रुपये। ठीक है। ठीक है ना? हाँ, लेकिन अगर ये कोई आदमी अप्रैल मई में लेगा तो ये मैं 55-60 तक का दे दूंगा। अच्छा, अभी मतलब 70,000 का देने की? अभी अगर कोई 70,000, इसलिए कि ये मेरे अभी बस अंडे दे देगा और तकरीबन महीने में इसके बच्चे निकल आते हैं। सही। तो वो जो है फिर मैं बच्चे तकरीबन 8,000-7,000 के तो बच्चे निकलते हैं। ठीक है। तो मतलब ये मतलब अंडे देने वाली फीमेल? जी, ये एग लेइंग पे है, मेटिंग। ये अगर अभी आप थोड़ी दूर देर हटेंगे तो मेटिंग इस वक्त स्टार्ट भी कर देते हैं। और आपके पास क्या क्या रखा हुआ है भाई? ये तो कॉकटेल के पट्टे हैं, ये तो मतलब ये मैं अगर आप कोई व्यूअर नहीं भी लेगा तो ये तो मैं लालू खेत में बेच दूंगा पट्ठों का कोई ऐसा। ये पट्टे मेरे निकले हुए इन्हीं के। और जो है आपने रखे हुए हैं? जी जी। तो पट्टे अलग कर देते हैं जब ये बड़े हो जाते हैं ना, क्योंकि फिर ये बड़े पेयर को डिस्टर्ब करते हैं। तो क्या क्रीम की क्या डिमांड कर रहे हैं आप? क्रीम का जो ब्रीडर पेयर है ना वो मैं 3,500 रुपये का है ब्रीडर पेयर। पट्टे तो जो मार्केट चल रही होगी 2,000-2,100 वो उसमें निकाल दूंगा। ठीक है। कॉकटेल का कौन सा पेयर है ये? इनोपाइट का पेयर है। इनोपाइट? हाँ। और ये भी तीन चार बच्चे निकालता है। सही। तो अभी कोई ब्रीड वगैरह आई हुई है? ये नीचे जो लोटिनो कॉकटेल है, क्रीम कॉकटेल है। सही। तो इसने 3 बच्चे दिए हुए, एक इसका मैंने दूसरे का डाला हुआ है, 2 इसके अपने बच्चे हैं। ठीक है। तो ऊपर वाले पेयर की क्या डिमांड कर रहे हैं आप? ये सारे पेयर जो इस तरह के होंगे ना इनोपाइट के, वो मैं एक ही रेट बता रहा हूँ, वो 4,000 रुपये के हिसाब से दूंगा। 4,000 रुपये, इससे कम नहीं होंगे? इससे कोई कम नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे ब्रीडर पेयर हैं और अभी मेरा सीजन स्टार्ट हुआ है। वो तो बस एक प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हम घर सेल कर रहे हैं, ये फैमिली घर है हमारा, तो इस वजह से। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं बच्चे समेत अगर कोई लेना चाहे? देखिए, मैंने पट्ठों का तो बता दिया, सेल्फ पे आ गए। पट्ठे तो मैं वो लोटिनो के जो मार्केट चल रही है 2,000-2,100 रुपये, और बाकी बड़ा पेयर जो है 3,500 रुपये का है। तो इससे कम नहीं होगा? इससे कोई कम नहीं है मतलब। ठीक है। और नीचे कुछ रखा? नीचे ये एक पेयर है मेरे पास, लोटिनो पसनाटा रेड आइस का मेल है। सही। और एल्बिनो रेड आइस की ये फीमेल है। ब्लैक आई लग रही है ये सेबल वगैरह? ये सेबल का एक फीमेल है। सही। तो ये भी बस ये एग लेइंग करने वाली है, इसने स्टार्ट करनी है। बाकी इस साइड पे आपने क्या रखा हुआ है? इसमें ब्लू पसनाटा का पेयर है, और ब्लू पसनाटा जो मैं दूंगा वो 3,000 रुपये का है पेयर। इसने भी जो है ना वो बॉक्स में वो कर लिया है, बाहर निकल आएगा भी। सही। तो अच्छा, ये 3,000 का देने और ये लोटिनो और ये सेबल का जो पेयर, ये तो शायद मैं बेचूँ ना बेचूँ, लेकिन ये अगर किसी ने सही रेट लगाया तो मैं बेच दूंगा। अंदाजन क्या रेट आप बोल रहे हैं इसके? तो फिर मैं कॉल पर बता दूंगा इसके रेट। ठीक है। ये 2 पेयर हैं मेरे पास असल में, ये एल्बिनो बच्चे भी निकालता है, लोटिनो भी निकालता है। सही। ये कौन से कॉकटेल है? ये इसमें लोटिनो की एल्बिनो फीमेल है कॉकटेल में, इनो फीमेल है और इनोपाइट का मेल है। सही। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? इसके मैं फाइनल जो है वो
5,500 रुपये। 5,500 रुपये सही है। अब इस साइड पर आ जाते हैं, आपने इधर क्या क्या रखा हुआ है? अच्छा ये जो अरसलान पेयर है ना, ये कुछ हम बाहर की ब्लड लाइन लाए थे क्योंकि अपनी ब्लड लाइन हम रिफाइन करते रहते हैं हर साल, और ये कुछ पट्टे मेरे हैं तो ये बिल्कुल तैयार पट्टे हैं और इनके भी वही रेट हैं। क्या मतलब इनो पाइट जितने भी दाने होंगे 2,000 रुपये के हिसाब से दाना दे दूंगा। सही। और एल्बिनो जो है मतलब इनो कॉकटेल जो है वो 3,000 रुपये दाना के। तो ये फर्स्ट टाइम ब्रीड वाले जी, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, इसमें पेयर बनना भी शुरू हो गया। बनाने के लिए बॉक्स लगाया हुआ जी 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 जी। ऊपर ये भी जो है ना इनो पाइट का पेयर है, ये भी 4,000 रुपये का। अच्छा इसमें से कुछ पेयर फैलो भी निकालते हैं, फैलो के स्प्लिट है। हाँ ये फैलो के स्प्लिट है। अब ये फीमेल देखेंगे ना आप तो इसको क्रॉस देखेंगे, इसकी डार्क कलेजी आंख जो होती है ये वो है, लेकिन मैं उसी रेट में दे रहा हूँ जो सारे रेट है 4,000 रुपये के हिसाब से। अगर ये सभी लेगा कोई आदमी तो मैं ये रेट सही। बाकी इधर क्रीम कॉकटेल रखे, ये क्रीम कॉकटेल का पेयर है। दरअसल कॉकटेल जो होते हैं ना वो थोड़े डिस्टर्ब होते हैं। सही। बाकी इन्होंने तकरीबन सब ने जो ना वो लेइंग करी हुई, किसी ने चिक्स निकाले हुए तो जो है। अब जैसे इसने ये सी के भी एग्स हैं अभी इसने, अच्छा चारों फर्टाइल एग हैं। अगर कोई मतलब व्यूअर साहब बॉक्स समेत ले तो आप इसमें दे देंगे बॉक्स? देखें वो फिर वो कोई 1,500 रुपये हम ज़्यादा कम करके कर देंगे क्योंकि ये हमें सेटअप अभी ख़त्म करना है एक्चुअल में ना, तो अभी तो ये हम पेयर के रेट बता रहे हैं, बाकी अगर कोई डील करेगा तो उससे फिर हम फाइनल कर लेंगे। चारकोल के क्या रेट बोले आपने? देखिए चारकोल है और ये 3,500 रुपये का है। 3,500 का है, ठीक है। बाकी नीचे यहाँ पर भी कॉकटेल रखे हैं आपने जी? नीचे भी इनो पाइट के ही पेयर हैं तो ये भी जो है ना उसी रेट में 4,000 रुपये। सही, 4,000 रुपये का जी जी। इन्होंने बच्चे भी दिए हैं अगर आप देखना चाहें तो। अच्छा माशाल्लाह से दो बच्चे निकाले मैंने जी। इसी तरह उसने भी बच्चे निकाले हैं, वो भी इनो पाइट का ही है। अच्छा माशाल्लाह से इसने भी बच्चे निकाले हैं, ये आपको दिखाते हैं। इसमें भी तकरीबन दो बच्चे हैं जी, ठीक है। असल में कॉकटेल जो होते हैं बड़े टची होते हैं, बच्चों के मामले में डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा इसने ये पेयर भी अब दोबारा लेइंग पे आ रहा है, इसने तीन बच्चे दिए। अच्छा तीन बच्चे, ये तीन बच्चे इसकी फीमेल अंदर है, दोबारा लेइंग स्टार्ट कर रही है, ठीक है। इसमें हमने लोटिनो के बच्चे डाल दिए थे, सही है, लोटिनो कॉकटेल के, ठीक है। और नीचे नीचे भी वही लोटिनो पसनाटा का मेल है और इसने सैबिल की फीमेल है, इसने 5 अंडे दिए हैं। अंडे दिए हैं मैं, सही। तो आपने इसके साथ पेयर क्यों लगाया वैसे? ये असल में मेरी एक वर्किंग चल रही थी, उसमें से कुछ बच्चे अब रेड आइस पे आ रहे थे तो ये वर्किंग के दो पेयर मैंने अपने बनाए हुए थे, ठीक है। बाकी आगे यहाँ पर भी कॉकटेल रखे हुए। अब ये देखें, ये जो भी आदमी पेयर देखेगा ना वो ये समझेगा कि ये एक बड़ा सादा सा पेयर है, लेकिन इसकी क्वालिटी ये है कि ये मेरे पास इनो बच्चे निकालता है। अभी निकाले मैं से जी माशाल्लाह से। अच्छा दो इनो बल्कि 5 बच्चे, कितने बच्चे हैं ये? टोटल 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, 2 इनो निकाले मैं और 2 जो है ना इनो पाइट और एक शायद चारकोल का है और एक इनो पाइट का है। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं अगर कोई बच्चों समेत ले? देखें बच्चों का तो अभी फाइनली डिसाइड करेंगे जब कोई पार्टी लगेगी, पेयर के वही रेट हैं 4,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चे निकले हुए कुछ जी, ये 3 बच्चे हैं और ये पेयर ने दोबारा लेइंग कर दी है, अभी ये बच्चे भरा ही रहा है तो मादी ने दोबारा लेइंग कर दी है जी। कॉकटेल में ये होता है बड़ी तेज़ ब्रीड होती है, इनकी ब्रीड को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ब्रीडिंग ये बहुत तेज़ करते हैं तो इनके बच्चों को सर्वाइव कराने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इस फील्ड में कितने टाइम से मौजूद हैं? मैं तो तकरीबन ये 92 से पाल रहा हूँ। 92 से आप बर्ड पाल जी जी, सही। तो इसने भी ये सब पट्टे निकले हैं हमारे पास इनो के और इनो पाइट के, ये पट्टे निकले हुए हैं, सही। ये पट्टे आप ये भी सेल करेंगे अगर किसी ने हमें तो, पेयर के लिए आपकी वीडियो बना रहे हैं, बाकी पट्टे तो हम मार्केट से सेल कर देंगे, मार्केट में भी ले जाएंगे, ठीक है। नीचे भी पट्टे निकले हुए, ये पेयर है और इसके 3 पट्टे निकले हुए, बाकी एक ये पाइट की फीमेल है और लोटिनो का मेल है, 3 बच्चे इसने निकाले हुए। अच्छा ग्रे टाइप के बच्चे हैं? हाँ ये ग्रे दूसरे पेयर के हमने दौड़ाए हैं बच्चे, ठीक है। ये बच्चे हम असल में बैलेंस करते हैं ना एज वाइज, कॉकटेल में इशू ये आता है कि अगर जो छोटा बच्चा होता है वो मर जाता है, सही। तो हम छोटे बच्चे को उठा के कहीं और डाल देते हैं ताकि हमारे जो पेयर्स हैं वो। अच्छा अब यहाँ पे लवबर्ड्स आपने रखे हुए जी, ये ब्लू पसनाटे के पेयर है, ऊपर एक फिशर, कुछ ने लेइंग स्टार्ट कर दिए, कुछ के चिक्स आ गए,
तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, लवबर्ड के कितने पेयर मौजूद हैं आपके पास? ये तकरीबन 10-12 पेयर ब्लू पसनाटा के हैं, 4-5 पेयर जो है हमारे पास। अच्छा माशाल्लाह, इसने 3 बच्चे निकाले हैं। आपने फिशर का बच्चा भी रखा हुआ है इसके नीचे? नॉर्मली हम कोशिश ये करते हैं कि 3-4 बच्चे बैलेंस रखें। अगर कोई पेयर ज़्यादा बच्चे देता है तो हम उसके बच्चे कहीं और मूव करा देते हैं। ठीक है, तो ब्लू पसनाटा की क्या डिमांड कर रहे हैं हम? ब्लू पसनाटा 3,000 रुपये का अभी है। अगर अप्रैल मई में लेंगे तो यही पेयर मैं आपको 2,500 का भी दे दूँगा। ठीक है, और कुछ ब्रीड वगैरह आई भी है लवबर्ड? ये एक वायलेट का मेल है और येलो फिशर की फीमेल है। ठीक है, इसने कोई 5-6 अंडे दिए मैम। ये फर्टाइल है जी? ये सारे फर्टाइल है। मेरे पास फर्टिलिटी का कोई इशू नहीं, अल्लाह का शुक्र है। सारे एग्स जो हैं फर्टाइल होते हैं, कॉकटेल के भी और लवबर्ड वगैरह। कुछ चीज़ें आप खिलाते हैं ऐसे ही फर्टाइल होते हैं एग्स? बस मल्टीविटामिन देते हैं इनको, सॉफ्ट फूड देते हैं, फीड देते हैं। तो बस एंड में इनसे पूछेंगे कि अपने बर्ड्स को क्या चीज़ें यूज़ करवाते हैं। अभी पेयर देख लेते हैं, और क्या क्या मौजूद है आपके पास? ये ब्लू के पेयर हैं, ये अभी ये जो है लोटिनो पाइट का मेल है और लोटिनो की फीमेल है। इसने भी 3 बच्चे निकाले हैं, ये तीनों बच्चे बड़े हो गए हैं, दोबारा लेंग इसने स्टार्ट कर दी है। सही, और इधर भी ये एक लोटिनो कॉकटेल का पेयर है हमारे पास, जिसको आप लोग क्रीम कह रहे हैं। इसने भी हैचिंग शुरू कर दी है, 3 बच्चे निकलने शुरू हो गए, 3 या 4 बच्चे हैं इसके। इसमें 2 बच्चे हमने जो है वो इनोपाइट के डाले हुए, बाकी इसके अब अपने बच्चे भी निकलना शुरू हो गए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अब इसको भी बैलेंस करेंगे, एज ग्रुप के हिसाब से सारे बच्चों को एक जगह करेंगे। अच्छा, आप कॉकटेल को सॉफ्ट फूड में क्या चीज़ें ये दे रहे हैं? देखिए, सबसे अच्छा सॉफ्ट फूड तो हो है मकई, चाहे वो छोटे परिंदों का हो या वो बड़े जानवर का, भैंसों का, गायों का, तो मकई से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा गंदम देते हैं इनको, जौ देते हैं। ये डेली बेसिस पे यूज़ करवाते हैं कॉकटेल को? और काला चना, कॉकटेल को तो दिन में 2 दफ़ा जब बच्चे दिए हैं मैं। अच्छा, ये दाने पे मतलब बच्चों को सही तरह नहीं पाल पाता? ये दाने पे सही तरह नहीं पाल पाता, इसकी अपनी डाइट जो है ना वो ये सॉफ्ट फूड ही है, और ये सॉफ्ट फूड पे ब्रीड अच्छी करता है। यहाँ पर ये कौन सा पेयर है? ये इनोपाइट का मेल है और इनो की फीमेल है, लेकिन ये बच्चे सारे इनो निकालता है। सही, तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? इसकी भी वही डिमांड है, दे रहे 5,000-5,500 रुपये पेयर के हैं इसके। ठीक है, आप इस तरह पा जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ रखे हुए हैं। देखिए, मैं आपको अपने पेयर की कोई वो तारीफ नहीं बता रहा, मैं पेयर के वही रेट लूँगा। ठीक है, ये ब्लैक मास्केट नहीं है, ये असल में ब्लू और ब्लू पसनाटा और फिशर का क्रॉस हम कराते गए अपनी वर्किंग के लिए, तो अब इन रेड आइज बच्चे निकालना शुरू करें। बेसिकली हमने रेड आइज का क्रॉस कराया था, जब आप ब्लू बजरी और ग्रीन बजरी को सेकंड जनरेशन तक ले जाएं तो वो रेड आइज दे देते हैं। अब ये आप बच्चा देखें, ये इस पेयर में से निकला हुआ है, लेकिन ये है रेड आइज। बच्चे की आंख खुलने से पहले पता चल जाता है कि वो बच्चा रेड आइज है या ब्लैक आइज है। अच्छा, ब्लैक मार्केट का ही बच्चा है ये इसी का बच्चा है? तो रेड आई है, तो इस मतलब ये बड़े होके क्या बनेगा? अब ये रेड आइज बड़े होके क्या बनता है ये, लेकिन है ये लोटिनो सीरीज में ना। सही, क्योंकि इसका फर जो आ रहा है वो ऑरेंज कलर का है। ठीक है, इस पेयर की क्या डिमांड कर रहे हैं हम? इस पेयर की 2,000 रुपये। 2,000 रुपये बच्चों समेत या बच्चों? नहीं नहीं, बच्चे ये जितने भी रेट मैं बता रहा हूँ ये अंडे बच्चों के अलावा है, बॉक्स के अलावा है, पिंजरों के अलावा है। सही, लेकिन अगर कोई आता है और पिंजरे भी लेता है तो मुझे पिंजरे भी सेल करने, बॉक्स भी सेल करने। ठीक है जी, ये एक और पेयर है हमारे पास, फिशर, फिशर का मेल है और येलो की फीमेल है। इसने भी माशाल्लाह से हैचिंग शुरू कर दी है, और 3 बच्चे इसके निकल आए हैं। इसको भी अभी हम बैलेंस करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर ये नीचे एक हमारे पास माशाल्लाह से ब्लू का पेयर है और इसने भी हैचिंग स्टार्ट कर दी है, 2 बच्चे इसके आ गए हैं और 2 अंडे हैं, और 2 या 3 अंडे हैं। सही, माशाल्लाह जी। तो ये आपका पूरा सेटअप हो गया, और भी चीज़ें रह गई जी? ये हमारे पास और भी कुछ पेयर्स हैं, इसने भी ब्रीड नहीं करी, इसने भी ब्रीड नहीं करी है। एक ये हमारे पास फिशर का पेयर है, फिशर के असल में पोस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन फिशर ने अभी अपने बच्चे भी निकाल लिए। ये भी जो 4 के करीब इसने बच्चे निकाले। अच्छा, फिशर की क्या रेट बोल रहे हैं आप? फिशर का रेट अगर प्योर फिशर का जोड़ा होगा तो 1500 रुपये का दाना देंगे, जोड़ा देंगे, 1500 रुपये का पेयर है। 1500 का पेयर जी। सही,
बाकी आपने जावा भी खुली रखी है जी। ये जावा जो है ना असल में हमें फ्री में ही पड़ रही है, क्योंकि जो दाना गिरता है वो हम जावा वो खुद ही खा लेती है। ठीक है। और ये जो है तकरीबन तैयार हो गए हैं सारे पेयर और ब्रीडिंग कर रहे हैं जावा भी। हम आपको जावा के भी कुछ बॉक्सेस दिखाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो। तो इसमें सिल्वर भी है, फोन भी है, ग्रे भी है, सेल करने के जावा वाइट भी है। मुझे सारी चीज़ें सेल करनी है, इवन बजरी की कॉलोनी में सेल कर चुका हूँ। ठीक है। तो जावा ये जो है मैं फाइनल 2500 रुपये के हिसाब से जोड़ा दूंगा पर पेयर 2500 पर पेयर। अब उसमें अगर सारे लेगा आदमी तो 2500 रुपये से कुछ गुंजाइश कर लेंगे। ये जावा का बॉक्स है। अच्छा माशाल्लाह से इसने बच्चे निकाले थे जी। कितने बच्चे हैं ये? मेरे ख्याल से 4 बच्चे हैं इसके। 4 बच्चे हैं जी। बाकी बॉक्सेस ऊपर लगे हैं उनमें भी बच्चे हैं। ठीक है। बाकी आपने ऐसी मटकियाँ लगाई हुई हैं खुद ही नेस्टिंग करके खुद ही बच्चे जी? ये खुद ही नेस्टिंग करती हैं, खुद ही बच्चे देती हैं, खुद ही खाती हैं। बस से पानी का हमने एक बॉक्स अलग करा हुआ है। ठीक है। तो ये पर पेयर 2500 रुपये? ये पर पेयर 2500 रुपये। सारे ब्रीडर पेयर हैं और ये जोड़े लगे हुए हैं और इनका सीज़न अभी स्टार्ट हुआ है। अगर कोई अप्रैल या मई में लेगा तो ये 2000 रुपये के हिसाब से दे देंगे हम, क्योंकि हमारे पास अभी 2-3 महीने हैं ये सेटअप ख़त्म करने में, तो इसलिए कोई इतनी अर्जेंट नहीं है चीज़ बेचनी कि लोग जो है ना फिर कम रेट लगाएं। सही। ऑस्ट्रेलियन की कॉलोनी बनाई थी आपने? ये ऑस्ट्रेलियन की कॉलोनी है, 50-60 पेयर होते थे इसमें, लेकिन जो है बंद कर, लेकिन अभी क्योंकि ये बाकी तो हमने किसी को सेल कर दी कि कुछ पेयर रह गए थे जिनके बच्चे थे, तो अब बच्चे जो है ना वो निकल आए बाहर, वो नीचे भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और कुछ जो है वो स्टिक्स पे बैठे हुए हैं। अच्छा, आपने पूरा रूम इनको दिया हुआ है, तो इनकी फ्लाइंग वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त हो रही होगी, तो इनका साइज़ वगैरह डेवलप हो रहा है? साइज़ भी डेवलप हो चुका है और जो ना ये ब्रीड भी बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन बस वो क्योंकि सेटअप पूरा ख़त्म करना है और ये जो है घर भी शिफ्ट करना है मुझे अब अगले 3 महीने में सारा काम करना है ये, तो ये भी मैं ऑस्ट्रेलियन की भी कॉलोनी बेच रहा हूँ। तो कितने पेयर हैं ये? ये तकरीबन 5 पेयर बचे हैं, बाकी पट्ठे हैं, तो 500 रुपये के हिसाब से बड़ा पेयर देंगे और बाकी 350 के हिसाब से पट्ठों का पेयर दे देंगे। ठीक है। बाकी मटकियाँ भी सेल करनी है, कोई तकरीबन 50 के करीब मेरे पास मटकियाँ हैं, तो 10 रुपये के हिसाब से मटकी भी हम सेल कर देंगे। बाकी शुभ आप बताते हैं, आप अपने तो बर्ड्स को जो कैल्शियम वगैरह यूज़ करवाते हैं, तो आपने इतनी सारी चीज़ें जमा करी हुई, क्या क्या चीज़ें ये? देखिए भाई, ये बर्ड्स तो जो ना नेचर में सिर्फ एक ही दफ़ा ब्रीड करते हैं जब सीज़न आता है, जैसे फूल जो है साल में एक दफ़ा फूल देते हैं पौधे और फल भी एक दफ़ा निकलता है साल में, तो ये परिंदे भी जितने भी परिंदे हैं वो सीज़न में ही ब्रीड करते हैं। अब हमारे सेटअप में ये पूरे साल ब्रीड कर रहे होते हैं, तो इनकी डाइट का बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर वो अनफर्टिलिटी का इशू आता है, पर झाड़ने का इशू आता है, तो उसके लिए परिंदों में मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा मल्टीविटामिन है, चाहे आप लव बर्ड्स हों कॉकटेल हों, वो है एवीस का मैक्सी मिक्स। सही। इसमें एक एवीस का ब्रीडी मिक्स आता था पहले, वो बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन था, अगर वो किसी को मिल जाए तो वही इस्तेमाल करें, लेकिन क्योंकि वो अब पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो हम इसीलिए अब इसको यूज़ कर रहे हैं पिछले 3 साल कर रहे हैं बर्ड्स को। तो एक तो इसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, तमाम मिनरल्स इसमें बर्ड्स को मिल जाते हैं और जो है इम्पोर्टेड है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, फर्टिलिटी के इशू ख़त्म हो जाते हैं, बर्ड हेल्थी रहता है। और कोई 3 क्लच जैसे मैंने बताया अलेक्जेंडर ने पिछली दवा दी, इसी तरह लव बर्ड भी 3-4 क्लच मेरे पास निकाल देता है, जिसमें हर में क्लच में 3-4 बच्चे होते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे क्लच में ना रखें क्योंकि फिर वो बच्चे कमज़ोर निकलते हैं। तो ये मल्टीविटामिन एक कंप्लीट डाइट है, एवीस मैक्सीमैक्स के नाम से आता है। तरीके से ये मैं तो इसको बॉयल्ड एग पे डाल के स्प्रिंकल करके देता हूँ, बाकी लोग पानी में भी डाल के देते हैं, लेकिन पानी में आप अपना मल्टीविटामिन ज़ाया कर रहे होते हैं, तो आप बॉयल्ड एग पे दें, आपके परिंदा आहिस्ता आहिस्ता उसके आदि हो जाएंगे, तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है। उसके बाद पानी में अगर आपको चलाना है तो 2 विटामिन ज़्यादा अच्छे हैं जो मैं अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूँ। एक तो परमासोल है, जो कि कोरियन प्रोडक्ट है परमासोल। ठीक है। तो वो भी अच्छा है। कुछ अरसे पहले ये जो है VMD ओलिगोविट भी आया है, बेल्जियम का है, अच्छा मल्टीविटामिन है, तो इन 2 में से कोई भी मल्टीविटामिन आप यूज़ कर सकते हैं।
जो कि आप पानी में यूज़ करें। सही। उसके अलावा कैल्शियम के लिए हाइपर मिनरल प्लस आता है, लेकिन वो आजकल शॉर्ट है, तो हम जो है कैल्फॉस सेलमोर कंपनी का यूज़ कर रहे हैं कैल्शियम के लिए। कैल्शियम ग्लूकोनेट उसमें है, एक मैग्नीशियम ग्लूकोनेट है। इसके अलावा कैल्शियम के लिए एक पाउडर मिल जाता है, DCP पाउडर। ये DCP पाउडर है, ये हम सॉफ्ट फूड पे भी स्प्रिंकल करके देते हैं और परिंदों के लिए जो है उनके पॉट्स में भी डाल देते हैं, बाजरे में भी थोड़ा सा डाल देते हैं, तो इससे कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बर्ड्स में। ठीक है। उसके अलावा फर्टिलिटी के लिए लोग बड़े महंगे महंगे सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन मैं जो है ना ये साइमन कंपनी का इम्यूनोटोन, ये काफ़ी बेहतर है क्योंकि इसमें विटामिन ई भी है और सिलेनियम भी है, और इसकी कीमत भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। ISO सर्टिफाइड कंपनी है साइमन, और ये तकरीबन 400 रुपये की मिल जाएगी आपको MJ ट्रेडर से, तो इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी बेहतर है। ठीक है। फिर ये सी पाउडर होता है, ये भी कैल्शियम के लिए इस्तेमाल होता है, आमतौर से मुर्गियों में लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बर्ड्स में भी उतना फ़ायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो वो ओइस्टर शेल है या जो जिसको हम कटल फिश बोन कहते हैं, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। आप अपने बर्ड्स को इतने महंगे फार्मूले, इतनी महंगी चीज़ें ना खिलाएं, जब उनके लोकल और अल्टरनेटिव मौजूद हैं, सस्ती प्रोडक्ट मौजूद हैं। बस सी पाउडर में ये देख लें कि सॉफ्ट हो, ज़्यादा हार्ड ना हो, सॉल्युबल हो वह पानी में, तो ये भी हम यूज़ कराते हैं कैल्शियम के लिए, और ये बर्ड्स खुद ही यूज़ खाते हैं, हम उनके पॉट्स में रख देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप यूज़ करवाते हैं जी? ये चीज़ें मैं तकरीबन यूज़ कराता हूँ। ठीक है, आपको हमने शोएब भाई का सेटअप विजिट करवाया, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।